अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अबीदुल्ला है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हमारी डिस्कशन है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है डेयरी सेक्टर के लिए और बेसिकली वन ऑफ द इग्नोर्ड सेक्टर है, सेगमेंट है आप कह सकते हैं, जिसके अंदर हमारे फार्मर्स की बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं होती। और टिपिकली मैं समझता हूँ कि सिर्फ ऑर्गेनाइज फार्म्स या बड़े कॉर्पोरेट डेयरी फार्म्स तो किसी हद तक इसको कंसिडर करते हैं, लेकिन मिडिल टायर में और स्पेशली नीचे वाले जो फार्म्स हैं उनके अंदर इसके ऊपर प्रॉपर तवज्जो नहीं दी जाती। हमारा टॉपिक बेसिकली काफ और रिप्लेसमेंट हीफर के न्यूट्रिशन पे, यानी छोटे बच्चों की जो परवरिश करते हैं हम उन्हें दूध देने तक के लिए, उसके ऊपर हमने बेसिकली डिस्कशन करनी है। ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स है जो बेसिकली हम लोग जो है अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम के अंदर भी एज ए कोर्स जो है वो ऑफर करते हैं। तो बेसिक जो चीज है वो ये है कि अगर आप डेयरी फार्म को एग्जामिन करें किसी भी, तो उसके अंदर दो बेसिक कैटेगरीज आ जाती है। एक वो कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं, वो कैटेगरी ऑफ एनिमल्स है जिसमें वो काउज आती हैं जो बेसिकली दूध दे रही हैं, और दूसरी कैटेगरी वो है जिसके अंदर एनिमल्स आते हैं जो जिन्होंने अभी दूध देना है फ्यूचर में। इसमें छोटे बच्चे, इसके अलावा वो हीफर्स या बछड़ियां जो बेसिकली अभी तैयार हो रही हैं, और इसके अलावा ड्राई एनिमल्स हैं, और उसके बाद क्लोजअप एनिमल्स हैं, यानी वो एनिमल्स को बच्चा देने में जबकि अभी 1 महीना रह गया या 20 दिन रह गए। तो हमारी तवज्जो ज्यादातर जो है वो दूध देने वाले जानवरों की तरफ, लेकिन अगर हमारी तवज्जो इन दूसरी कैटेगरी के ऊपर, बच्चों के ऊपर और वो तैयार होने वाली हीफरों के ऊपर और ड्राई एनिमल्स के ऊपर होती, तो फ्यूचर में हमारा मिल्क भी जो है वो इंक्रीज होता है। इसमें एक चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग हमने नोट किया है फार्म्स में वो ये है कि जब वो उनका एक जारी बात है, उनका ख्याल होता है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल इस चीज को नहीं अंडरस्टैंड करते, लेकिन उनकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो इस साइड के ऊपर होती है कि सीमन की सिलेक्शन अच्छी से अच्छी हो ताकि उनकी अगली प्रोजनी जो है या अगली जनरेशन इम्प्रूव आए, जो कि बड़ी रीजनेबल अप्रोच है। लेकिन एक बड़ा मसला ये क्रिएट होता है कि सीमन की सिलेक्शन तो ठीक कर लेते हैं किसी हद तक विद द सपोर्ट ऑफ द पीपल जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन एनिमल की रेयरिंग जो है वो उस तरीके से नहीं कर रहे होते, और उसकी वजह से उनके बड़ी अच्छी क्वालिटी की जो सिलेक्शन होती है जेनेटिक्स की, वो भी जो है किसी हद तक आप कह सकते हैं कि उसका कोई खास बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि एनवायरनमेंट का या ये जो ग्रोथ का जो फैक्टर है ये इटसेल्फ जो है या न्यूट्रिशन का, ये भी उस सारी चीज को जो है वो मिनिमाइज कर देता है। तो आपने सीमन अच्छा सिलेक्ट किया फॉर कि भाई हम अगली जनरेशन अच्छी लेंगे, लेकिन उसके बाद उस अगली जनरेशन को प्रॉपरली जो है आपने उसकी केयर नहीं की, उसको पाला नहीं, तो 50% तो काम आपका भी खत्म हो गया। ऐसा नहीं होगा कि आप कि जो है इम्प्रूवमेंट जो है वो बड़ी कुछ सिग्निफिकेंट होगी, बल्कि आप देखेंगे कि वो जो है उसके आप बेस्ट बेनिफिट नहीं ले सकते। तो ये जो हर्ड है जिसके अंदर गाय हर्ड में सारे एनिमल्स आ जाते हैं तकरीबन, ये बेसिकली जो है हमारा आज इस सारे लेक्चर्स का जो है वो फोकस है। एक चीज जो है वो टिपिकली क्वेश्चन होता है कि ये इस ड्राई हर्ड में और ये मिल्किंग के दरमियान एक रेशो क्या एक आइडियल होती है होनी चाहिए एक डेयरी फार्म के अंदर। तो ये भी प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं इसके अंदर एटलीस्ट जो है 45% ऑफ द हर्ड शुड बी मिल्किंग काउस एटलीस्ट, और मेरे ख्याल में जो प्रॉफिट्स हमारे पास आ रहे होते हैं टिपिकली वो आना शुरू होते हैं डिपेंडिंग अपॉन स्केल 47% से ऊपर, अगर हमारी काउस वो इन मिल्क होंगी तो हम कोई जो है कैश फ्लो पॉजिटिव कर सकते हैं। तो अगर आप गोल्स देखें किसी भी वेल मैनेज डेयरी हर्ड के, तो उसमें ये जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें हमारे पास काफ है जो बच्चा पैदा हुआ, एक काउ ने बच्चा दिया वो पैदा हुआ, उसके बाद उसको रिप्लेसमेंट हीफर में कन्वर्ट होना है, उसके बाद उसमें प्रेगनेंट होके और उसके बाद जो है बच्चा देने तक के पीरियड में आना, फिर दोबारा एक काउ में कन्वर्ट होना है। इस प्रोसेस में हमारे कुछ गोल्स होते हैं जिसकी बेस के ऊपर हम ये देखते हैं कि ये एनिमल्स जो है ये ठीक जा रहे हैं या नहीं जा रहे। आप इन्हें टारगेट कह सकते हैं, आप इन्हें ये भी कह सकते हैं कि अगर आपने किसी हर्ड को असेस करना है तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको आपके जहन में होनी चाहिए।
पहली चीज बच्चों में आदत यह है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि एक अच्छी काविंग हो, और जो काफ है वो न्यू बॉर्न जो है वो वाइबल हो। और उसके बाद जो है हमारा टारगेट ये होता है कि उस बच्चे को 2 महीने या 3 महीने तक जो है हम दूध पिलाएं, और दूध पिलाना मकसद नहीं है एक्चुअली, 2-3 महीने तक हम उसे दूध पिला सकते हैं और उसके बाद वो दूध छूट जाना चाहिए। तो और जब वो दूध छोड़े तो उस वक्त उसकी हाइट जो है वो 80 से 90 सेंटीमीटर तक, और ये हाइट जो है ये मैं हिप हाइट की बात कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली जो है वो पिछली टांगों से हम नापते हैं, और उसको पिछली टांग जहाँ है वहां से शुरू करके ऊपर तक लेके जाके स्केल रख के देखते हैं, तो तकरीबन 80 से 90 सेंटीमीटर तक वो पहुंच जाए इस पीरियड में। टिपिकली जो हमने देखा है 60 से 65 सेंटीमीटर का होस्टिन की जो हीफर है वो पैदा होती है न्यूबॉर्न, और वो इस 90 सेंटीमीटर तक चली जाती है आराम से। और इस पीरियड में एवरेज डेली गेन जो है वो टिपिकली 0.5 से 0.7 kg पर डे तक वो अचीव करे, और उसका बॉडी वेट जो है वो 65 से 80 kg के दरमियान। बच्चा जब पैदा होता है तो उस वक्त उसका वजन जो है वो 35 kg तक होता है, और आप उसको जब उसकी वीनिंग करवा रहे होते हैं तो उस वक्त उसका जो वजन है वो 65 से 80 kg तक तकरीबन पहुंच जाना चाहिए। बॉडी कंडीशन स्कोर जो है ये 5 स्केल होते हैं जिसके ऊपर हम देखते हैं कि उसके अंदर फैट कितनी डिपॉजिट हुई। 1 से 5 तक ये स्केल होता है, आप कह सकते हैं कि उसका 2 से 2.25 या 2.5 तक तकरीबन वो एक मुनासिब जो है वो उसका स्केल बॉडी का बॉडी कंडीशन स्कोर होना चाहिए। ये काफ की वीनिंग जब हो जाती है तो उसके बाद फिर उसको हम पोस्ट वीनिंग में उन डाइट्स के ऊपर लेके जाते हैं जिन डाइट्स के जरिए जो है हम अपने उस एनिमल की ब्रीडिंग जो है वो 14 महीने में शुरू कर दें। और वो 14 महीने में शुरू करने का मतलब ये है, 14 महीने पे वो इंसेमिनेट हो जाए तो इसका मतलब ये है कि उसको हम उस 14 महीने पे उसकी हाइट जो है तकरीबन 122 से 125 सेंटीमीटर तक हो, उसका एवरेज डेली गेन 1.8 kg अगर होगा तकरीबन, तो वो 330 से 375 kg के दरमियान बॉडी वेट पे पहुंच जाए, और उसका BCS 2.753 तक मैक्सिमम हो। बहुत ज्यादा ओवर कंडीशन हीफर जो है यानी बहुत मोटी हीफर जो है वो भी एक अच्छी हीफर नहीं होती। एक्चुअल ऑब्जेक्टिव जो है वो कद बढ़ाना है, एक्चुअल ऑब्जेक्टिव जो है वो वजन बढ़ाना ही नहीं है। ये चीज जो है एक्सक्यूज मी, मैं समझता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको समझाना। बेसिकली हमारे पास दो एक्सपर्ट्स आते हैं जो रिप्रोडक्शन के हैं और जो दूसरी तरफ फार्म मैनेजमेंट के लोग हैं। बेसिक डिमांड रिप्रोडक्शन वालों की होती है, उनका ये कहना होता है कि ये 330 से 375 kg तक एनिमल का बॉडी वेट हो, विच इज क्वाइट रीजनेबल कि 14 महीने पे 330 kg होना चाहिए। लेकिन जो चीज समझने वाली है वो ये है कि कद बढ़ाने की उम्र भी पहले 2 साल ही है, उसके बाद भी बढ़ता है, ऐसा नहीं है। 2 साल के बाद तीसरे साल तक थोड़ा बढ़ता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा हाइट एनिमल बढ़ाता है वो पहले साल में बढ़ाता है, और उसके बाद दूसरे साल में रिलेटिवली और कम हो जाती है जो बढ़ाने की उसकी इस्तेदाद होती है, और तीसरे साल में जाके वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा वजन बढ़ाएंगे तो वो अपना कद एक मतलब आपने उसको हॉरिजेंटली ग्रो कर लिया है, तो वर्टिकली उसकी ग्रोथ जो है वो अचीव करना एक सर्टन एज के बाद ये जो है डिफिकल्ट है। मसलन आप देखेंगे कि आपके पास अगर एक 26-3 साल का एनिमल खड़ा है तो आप उसका कद नहीं बढ़ा सकते, बट यू कैन डू सम टाइप ऑफ सपोर्ट। ऑब्वियसली जेनेटिकली कंट्रोल्ड भी है, लेकिन ऐसी डाइट्स हैं जो लीन टिश्यू डेवलपमेंट ज्यादा करती हैं, और उसके बाद ऑब्वियसली उसकी अगर फैटी नहीं होगी तो वो एनिमल जो है वो इसके लिए बेहतर यही होगा कि वो उसके ऊपर जो है ऐसी डाइट्स ले जिनसे उसका जो है वो वजन भी बढ़े, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उसका कद बढ़े। इससे आगे सबका यही ख्याल होता है और होता भी ऐसे ही है कि अगर आप बहुत ऑर्गेनाइज चल रहे हैं तो 24 महीने पे पहला बच्चा उस जानवर को देना चाहिए, और उसकी हाइट जो है उस वक्त तकरीबन 135 सेंटीमीटर तक तकरीबन हो। 14 महीने से लेके 24 महीने तक के पीरियड में एवरेज डेली गेन 0.9 kg तक बढ़ जाता है। ये बॉडी वेट 600 kg मैंने लार्ज ब्रीड के हिसाब से लिखा हुआ है। टिपिकली आप कह सकते हैं कि 575 से 600 kg तक होता है प्रेग्नेंट एनिमल का। इसमें बच्चे का वजन भी होता है, बेसिकली आप देखें तो टिपिक
टिपिकली जो सिस्टम है वो ये है कि 630 केजी तक तकरीबन जो है वो हीफर, एक अच्छी हीफर जो है वो चली जाती है, 600 से 620 केजी तक चली जाती है जस्ट एक दो दिन पहले बच्चा देने से। बच्चा देने के बाद जब वो जेर वगैरह और बाकी चीजें फेंक देती है, अपने सेक्टर रिमूव हो जाता है सारा, तो आप उसका अगर वजन करेंगे तो 2-3 दिन के बाद उसका वजन तकरीबन 570 केजी पे पहुंचा होता है, और उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसको बॉडी को लूज करना शुरू करती है। यहाँ बॉडी वेट के अलावा जो दूसरा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये है कि उसका बॉडी कंडीशन स्कोर 3 से 3.25 तक बहुत अच्छा है। 3.5 भी स्टिल आजकल मतलब हम लोग सोचते हैं कि ये थोड़ा सा ज्यादा ही है, 3.5 से आगे तो कंफर्म है कि वो एनिमल जो है उसको हम ओबीस की कैटेगरी में डालेंगे, और वो एनिमल जो है उसका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उसको किटोसिस या नेगेटिव एनर्जी बैलेंस फेस करना पड़ता है, विच इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम सब क्लिनिकल लेवल के ऊपर माय डेयरी फार्म पे। तो बहुत ओवर कंडीशन एनिमल रिक्वायर्ड नहीं है, एक स्मार्ट स्लिम और वेल मसल्ड एनिमल इज रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज। और हम कह सकते हैं कि काविंग के बाद लैक्टेटिंग काव है तो उसकी एक फ्लक रेंज होती है कि उस वक्त वजन तो वो अपना ले चुका होता है, लेकिन 2.75 से 3.25 तक उसका बॉडी कंडीशन उसको मिल्क यील्ड ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन ब्रीड जो है वो होता है। लेकिन अगर आप एक होस्टिंग काव की बात कर रहे हैं तो हम लोग ये आजकल जिस किस्म की इन टारगेट्स के साथ अचीव कर लेते हैं टिपिकली, वो एवरेज आप कह सकते हैं कि 3 or 5 days में लैक्टेशन में एनिमल जो है वो 9000 से 9500 लीटर किलोग्राम तक पहुंचना चाहिए। मैं इसको थोड़ा 8000 सॉरी मैं अगर इसको एग्जैजरेट शायद कर गया हूँ, इसको आप 8000 से 8500 तक रहे, 9500 तक शायद जो है ना आप कह सकते हैं कि अगली लैक्टेशन में एनिमल जो है वो एक लैक्टेटिंग एडल्ट काउ जो है वो 9500 तक पाकिस्तान में चली जाती है। हीफर्स में हम लोग जो है होल्स्टीन में 8000 से 8500 तक अच्छी मैनेजमेंट अच्छी न्यूट्रिशन के साथ एवरेज ले सकते हैं। तो ये हमारे गोल्स हैं बेसिकली। अब हम लोग जो है इससे आगे चलते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है काफ की न्यूट्रिशन पे और रिप्लेसमेंट हीफर की न्यूट्रिशन पे, तो अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन। तो काफ न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस ये है कि सबसे पहली चीज तो ये कि ये तो मैं नहीं कह सकता कि स्टडीज ये कहती है कि अगर आपने वीनिंग या एक बच्चा दूध पिलाने के पीरियड में एक बच्चे को ज्यादा दूध पिलाया और एक बच्चे को कम दूध पिलाया, एक बच्चे का वजन बहुत ज्यादा बढ़ा लिया पहले 2 महीने में, तो उसका लाइफ टाइम प्रोडक्टिविटी से क्या ताल्लुक है। ये तो रिसर्च में आप अगर देखें तो ऐसी स्टडीज भी है जो कहती है कि इसका कोई ताल्लुक नहीं, और ऐसी स्टडीज भी है जो इसकी एसोसिएशन निकालती है। लेकिन जो यहाँ इम्पोर्टेंट चीज है लाइफ टाइम प्रोडक्शन से रिलेटेड वो ये है कि आप उसको ज्यादा इस मायने में ले कि ये फार्म की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए भी एक क्वेश्चन है कि आपने एक एनिमल को 35,000 रुपए का दूध पिला दिया और वो काफ जो है वो इस प्रॉब्लम में ही रहा पूरे फेज में, तो ऑब्वियसली आपने पैसे तो कहीं ना कहीं फिर भी जाया कर दिए। दूसरी चीज ये है कि अगर आपने काफ को एग्जाम देखें तो एक हीफर जो है उसकी बुक वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा, आप इस वक्त अगर बुक वैल्यू से मुराद ये है कि मतलब वो पैदा होती है तो उसको हम वो एक एसेट का पार्ट बनती है, तो टिपिकली अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो मेरे ख्याल में डे वन की जो हीफर है उसकी वैल्यू जो है वो होल्स्टीन की 80,000 से 1 लाख रुपीज पर हीफर जो है वो इस वक्त जो है करंटली डे वन के ऊपर एग्जिस्ट करती है। तो ये उसकी एक अपनी ओरिजिनल वैल्यू है, उसके ऊपर आप जो है उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर दूध लाए, तो ये एक जरूरी काम है कि उसकी वेल बैलेंस्ड या उसको एक सही तरीके से प्रॉपरली चलाया जाए। अगर आप उस हीफर को खरीदते तो आपकी कॉस्ट जो है शायद वो उससे 1 लाख रुपया या 1.5 लाख रुपया ज्यादा ही होती जो आप तैयार कर रहे हैं खुद। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि अगर आपने एक हीफर है उसका खर्चा 1.5 से 2 लाख रुपया अगर उसका लग रहा है, 2 लाख रुपया कम से कम लगता है यकीन उसकी फीड के ऊपर, और उसको अगर आप
उसकी जगह आप एक एनिमल प्रेग्नेंट लेके आते अपने फॉर्म के अंदर, तो आजकल जैसी डॉलर की वैल्यूज चल रही है तो आप ये कह सकते हैं कि उसकी कॉस्ट भी जो है वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू मतलब अगर परचेज करते हैं आप तो कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट हीफर जो है वो बेसिकली वो लेस है कंपेयर टू परचेज वन, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम इसके नतीजे का ध्यान रखें। जो बच्चों के अंदर स्पेसिफिकली इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इनके कॉन्सेप्ट जो है डाइजेशन का डिफरेंट है अडल्ट काउ से, क्योंकि इसके अंदर फर्क है। इसके बेसिकली आप कह सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है जो गाय का बच्चा या बछड़ी है वो बेसिकली उसका उसका ह्यूमन तो है नहीं, उसके अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो चारा खा सके। तो जब तक तो वो जुगाली नहीं करना शुरू होगा या सिस्टम उसका एक्टिव नहीं होगा तब तक तो वो एक मोनोगैस्ट्रिक है, एक सिंपल स्टोमिक एनिमल की तरह ही है, उसको वो चीजें खिलानी होगी। बेसिकली एक आम जानवर को जो मतलब ऐसा एनिमल जिसको जो फाइबर नहीं खा सकता उसकी फीडिंग प्रैक्टिसेस के साथ ही उसको हमें चलाना होगा। तो ये हम आगे देखेंगे कि इसमें क्या बेसिक फर्क है जिसकी वजह से हम क्या टारगेट क्या होते हैं एक अच्छी वीनिंग की स्ट्रेटेजी के। वीनिंग मैं अगेन फिर दोबारा एक एक्सप्लेन कर दूं कि वीनिंग से मुराद मेरी दूध छुड़ाना है। उसके टारगेट क्या है बेसिकली कि पहली बात तो ये कि आप तब दूध छुड़ा सकते हैं जब रूमन उसका इस हद तक तो डेवलप हो गया हो कि वो 0.75 केजी से 1 केजी तक सॉलिड फीड ग्रेन की फॉर्म में या दाने की फॉर्म में खा सके। यानी जो फीड है सॉलिड फीड है जो बच्चा 0.75 केजी से 1 केजी तक खाना शुरू कर दे तो हम कहते हैं डेली बेस के ऊपर तो हम कहते हैं कि ये बच्चा तैयार है, इसका दूध छुड़ाया जा सकता है, इसमें अब प्रॉब्लम नहीं आई। ये सबसे पहली चीज दूध छुड़ाने की पहली शर्त यह है कि काफ स्टार्टर या सॉलिड फीड जिसे हम कहते हैं काफ स्टार्टर वो 0.75 से 1 केजी तक जो है वो खा सके। दूसरे नंबर के ऊपर जो शर्त है वो ये है कि उसकी जो वजन है उस बच्चे का वो उसकी बर्थ से एटलीस्ट डबल। होस्टिन के अंदर अगर आप देखें तो 35 केजी तक तकरीबन गीफर का वेट होता है एवरेज, तो एटलीस्ट उसको 65 केजी एट द टाइम जब आप उसका दूध छुड़ा रहे हैं उसका वजन 65 केजी तक तो एटलीस्ट। ये दूसरा मेजर टारगेट। तीसरा टारगेट हमारा है फाइनेंशियल टारगेट है और उसका मतलब ये कि उसकी दूध छुड़ाने की जो ड्यूरेशन है वो 90 दिन से कम होनी चाहिए। यह अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, मैं यही एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देता हूँ, बाद में डेटा आपको शेयर करूंगा कि क्या 60 दिन पे दूध छुड़ाया जा सकता है, क्या 30 दिन पे छुड़ाया जा सकता है। रिसर्च के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद आप दूध छुड़ा सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। रिसर्च ये भी कहती है कि अगर आपने 3 हफ्ते बाद दूध छुड़ा दिया और एक बच्चे का 9 हफ्ते बाद छुड़ाया तो एंड पे वो फिर भी एक ही पॉइंट पे पहुंचे, तो ये मैटर नहीं करता। हाँ ये फर्क जरूर आएगा कि जब आप पहले दूध छुड़ाना चाहते हैं तो उसको इंटेंसिवली जितना आप उसका दूध छुड़ाने को की ड्यूरेशन को कम करते हैं उतना इंटेंसिवली आपको उसको देखना पड़ेगा। तो रिसर्च में जो काम हो रहा होता है उसमें आपको पता है इंडिविजुअल केयर भी हो रही होती है काफ की, तो उनको एक्स्ट्रापोलेट तो नहीं किया जा सकता डेटा को डायरेक्टली, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि सेफली 60 से 90 डेज आर वेरी रीजनेबल जिसपे आप जो है उसका दूध छुड़ा सकते हैं। ये हो गई एक बात। दूसरी चीज ये है कि डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रेटेजी आपने ये फिक्स करना है कि आपने कितना दूध पिलाना है बच्चे, आपने ये डिसाइड कर। अब वो चाहे आप जो है वो उसको एक दफा में ही मतलब 60 दिन में ही पिला दे, या चाहे तो आप जो है उसको 90 दिन में पिलाएं। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने ये डिसाइड किया हुआ है कि आप एक बच्चे को 5 लीटर दूध पिलाएंगे 90 दिन, 450 लीटर बनता है। चाहे तो आप इस 450 लीटर को 60 दिन में पिला दें तो ये 7.5 लीटर पर डे बन जाए। तो डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेटेजी आप उसके वॉल्यूम को डिसाइड करते हुए उसके साथ जो है वो फीडिंग प्रैक्टिस को कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, इसके ऊपर कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि आपने 60 दिन पे कर ली थी वीनिंग, किसी ने 90 दिन पे कर ली थी। इंपॉर्टेंट ये कि दूध कितना पिलाया, पैसे कितने लगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने 60 दिन पे खत्म कर दिया था काम या 90 दिन पे कर। हाँ जब हम स्ट्रेटेजीज डिस्कस करेंगे वीनिंग की
कि हम दूध पिलाते कैसे हैं, कैसे कैसे उसको हम लोग जो है कम या ज्यादा कर सकते हैं, तो उस वक्त ये बड़ा ही जरूरी है समझना कि आपने स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से कैसे बनाई। ये तीन के अलावा जो ऑब्वियस हमारा एक टारगेट होता है कि जितने बच्चे काफ सेक्शन में उस बंदे ने लिए हैं उनके अंदर जो है कम से कम जो है वो मोर्टेलिटी हो। मिसाल के तौर पे एक डेयरी फार्म पे 100 बच्ची हीफर्स पैदा हुई या 1000 हीफर्स पैदा हुई और काफ सेक्शन के अंदर जो है वो रिसीव हुई लाइफ जो है वो 9900, तो एटलीस्ट 900 में से 800 + 850 आप कम कर ले अच्छा है। और हमने ये देखा है कि बड़ी अच्छी केयरफुल स्ट्रेटेजी के साथ आप इवन जो है मोर्टेलिटी को 5% से नीचे भी लेके अच्छे। लेकिन अगेन जहां आपके अलार्म बजना चाहिए वो ये है कि अगर आपके काफ सेक्शन में जितनी हिफाज जा रही है लाइव उनकी मोर्टेलिटी 10% से ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब ये है कि यू नीड टू बी केयरफुल, ये देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द स्ट्रेटजीज दैट वी आर अडॉप्टिंग। तो ये हमारे चार टारगेट्स हैं। इन टारगेट्स को अगर मैं दोबारा रिपीट करूँ तो हमारा पहला टारगेट ह्यूमन की डेवलपमेंट है और कोई और नहीं है। और उसका इंडिकेटर क्या है कि 0.75 से 1 केजी तक काफ स्टार्टर बच्चा खा रहा है। इसकी एक विजुअल ऑब्जर्वेशन भी होती है कि आप देखेंगे कि छोटे बच्चे हल्की हल्की जुगाली करना शुरू करते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द इंडिकेशन। बट हम लोग इसके अंदर पेंस बना के उसको डिवाइड करते हैं कि भाई ये वाला सेक्शन जो है ये बड़ो सेक्शन का हो गया, इसके अंदर 0.75 से 1 केजी तक काफ स्टार्टर। उससे पहले अगर आपने छुड़वा दिया चाहे जितना मर्जी वजन है, आप ये नहीं गेस कर सकेंगे कि ये बच्चा जो है आगे कैसा परफॉर्म। सेफ रहने के लिए आपको काफ स्टार्टर इनटेक का पता होना चाहिए, चाहे वो ग्रुप हाउसिंग हो रही हो, 10-20 एनिमल्स इकट्ठे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि ये एनिमल्स को मैं जो है इतनी बोरियां डाल रहा हूँ डेली और ये कंज्यूम कर रहे हैं और इसका मतलब है कि ये 1 kg, 0.75 या 1 kg तक तकरीबन काफ स्टार्टर खा रहे। एटलीस्ट दिस इज एटलीस्ट, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि आपने उसका वेट गेन मेंटेन करने के लिए 1 kg खिलाना, इनफैक्ट वेट गेन के लिए शायद ये ज्यादा है। दूसरी चीज ये कि ग्रोथ जो है बॉडी वेट शुड बी डबल टू द बर्थ वेट, डबल होना चाहिए। और वीनिंग की ड्यूरेशन जो है 60 से 90 दिन तक मैंने आपको बताया, दिस इज एक्सेप्टेबल। और काफ मोर्टेलिटी हमारा टारगेट है। दीज आर दी 4 टारगेट्स जिसकी बेस के ऊपर हम लोग काफ की न्यूट्रिशन का प्लान करते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस है क्या इस प्रोग्राम के अंदर? बेस्ट प्रैक्टिसेस यही है कि आपने क्लोस्ट्रम पिलाना, मिल्क पिलाना है और मिल्क रिप्लेसर पिलाना, काफ स्टार्टर पिलाना खिलाना है सॉरी, और उसके अलावा वाटर जो है वो ऑफर करना है। ये चार ही चीजें हैं जो इस प्रोग्राम में या इसके दरमियान जो इस डिस्कशन होगी उसके अंदर हम मुख्तलिफ उसमें डिस्कस करते रहेंगे। तो पहली चीज क्लोस्ट्रम की फीडिंग है, दूसरी चीज मिल्क और मिल्क रिप्लेसर की फीडिंग है, और इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती है, काफ स्टार्टर की फीडिंग और पानी पिलाना, ये चार बेसिक एलिमेंट है जिसकी बेस पे हम देखते हैं कि ये काफ फीडिंग का प्रोग्राम ठीक है। पहली चीज मैंने आपको बताया था कि चार टारगेट्स हैं। पहली चीज क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट करना। तो थोड़ा सा एक आइडिया कि ह्यूमन जो है वो एज के साथ भी बढ़ते हैं। तो यहाँ आपके सामने तीन पिक्चर्स हैं। पहली पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो पहला हफ्ता उसके र्यूमन को उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो यहाँ आप देखिए तो ये जो र्यूमन है ये इसका साइज छोटा है, तकरीबन 20% तक होगा टोटल जो ये स्टोमिक है उसके अंदर से। और फिर अगर आप उसको 3 से 4 महीने के बच्चे को देखेंगे तो उसके अंदर ये जो है फिर बढ़ गया तकरीबन 60% तक होता है। और मेच्योरिटी पे यानी 6 महीने से आगे 8 महीने से आगे तकरीबन जो है ये वजन जो है इसका ह्यूमन का टोटल इस डाइजेस्टिव सिस्टम में 80% जो है ये हो चुका होता है। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि 2 महीने गुजर गए, बच्चे का दूध छुड़ा दिया, अब ये रुमिनेंट हो गया, अब इसे जो मर्जी की। ये इंतहाई डेंजरस चीज है कि आप उसको हाई एकदम दूध छुड़ाने के बाद हाई फाइब्रस डाइट के ऊपर ले 6 महीने तक हीफर जो है
एटलीस्ट 5 महीने तो कंफर्म है। अगर मैं आपको वेट वाइज बताऊं तो ये आप कह सकते हैं कि एटलीस्ट 180 kg से ऊपर आप उसको हाई फाइबर वाली डाइट्स, बहुत ज्यादा ओवर फाइबरस डाइट जो है वो नहीं खिला सकते। और ये जो है हम लोगों का एक्सपीरियंस भी रहा है कि अगर आप उसको दूध छुड़ाने के बाद बहुत ज्यादा फाइबर देना शुरू करते हैं तो वो एनिमल जो है उल्टा उसका जो है रिस्पॉन्स जो है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। तो ये जो तीन सेक्शंस हैं इसमें यही बताया है कि जो स्टोमेक है उसके अंदर बर्थ से मेच्योरिटी तक जो है ह्यूमन ग्रो कर रहा है, बाकी ऑर्गन्स का वजन उस तरह नहीं बढ़ रहा, कम भी नहीं हो रहा, लेकिन इन प्रोपोर्शन ह्यूमन जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है। अगर आप इसको देखें तो परसेंट ऑफ टोटल स्टोमिक की अगर आप कैपेसिटी देखें तो न्यूबॉर्न के अंदर ये ह्यूमन जो है 25% होता है ऑफ द टोटल स्टोमिक, 3 से 4 महीने पे ये तकरीबन 65% हो जाता है, और मेच्योर एनिमल में दिस इज अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द टोटल वेट। दूसरी चीज, अब हम कंपोनेंट की बात करते हैं। होता क्या है, जब हम दूध पिला रहे होते हैं तो दूध जो है बेसिकली र्यूमन के अंदर नहीं जाता, दूध र्यूमन की बजाय एबोमेजम में या स्टोमेक में जाता है आगे। तो र्यूमन बेसिकली क्या होता है, उस दूध जो है बेसिकली बाईपास करता है। इसकी मुख्तलिफ वजूहत है। पहली चीज तो वो कहते हैं कि उसकी जो है इसोफेजियल एक ग्रुप बनता है, अगर आप यहाँ इस पिक्चर में देखें तो इसोफेजियल ग्रुप की फॉर्मेशन होती है जो बाईपास करवाती है, ठीक है। और वो जो बाईपास हो रहा होता है उसके वजह से वो एबोमेजम में सीधा दूध चला जाता है। और उसमें मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, कुछ कहते हैं कि न्यूरल स्टिमुलेशन है, जैसे ही वो काफ मुंह ऊपर करता है सकलिंग का एक बिहेवियर होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है कि ये जो ग्रुप जो है ये उसको बाईपास करवाने में हेल्प कर रहा हो। इसके अलावा कुछ थ्योरीज ये कहती है कि मिल्क की प्रोटीन्स के अंदर एक ऐसा नेचर है, मिल्क में है, वाटर में नहीं है, वाटर अगर आप पिलाएंगे तो वो ह्यूमन के अंदर जाएगा, वो बाईपास नहीं होगा, तो इसलिए मिल्क की प्रोटीन्स के अंदर ये कुछ कॉन्टेंट्स ऐसे होते हैं जो बेसिकली जो है ना ह्यूमन से बाईपास करते थे। इसीलिए मिल्क क्लोस्ट्रम या बोली जिसे हम कहते हैं या मिल्क रिप्लेसर जो है ये बाईपास होते हैं ह्यूमन और ह्यूमन से और सीधा एबोमेजम हो जाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पानी में चूंकि प्रोटीन होती नहीं है, कुछ भी नहीं होता, तो इसलिए पानी जो है वो एबोमेजम में नहीं जाता, वो ह्यूमन में जाता है। तो ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, दूध पिलाने दूध जाएगा एबोमेजम में और पानी जाएगा ह्यूमन के अंदर। तो इसका मतलब यह है कि पानी का कुछ रोल होगा यकीनन ह्यूमन की डेवलपमेंट में, जबकि दूध का रोल ह्यूमन की डेवलपमेंट में नहीं है, ये एबोमेजम में जाता है और एनिमल को जिंदा रखने में, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। क्या पानी जो है वो एबोमेजम में भी जा सकता है, बाईपास भी हो सकता है? तो इसमें मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये तभी हो सकता है जब आपने बच्चे को दूध पिलाया और उसके फौरन बाद आपने एक बोतल पकड़ी और उसको जो है वो पानी पिला दिया, तो आप कह सकते हैं कि 10 से 15-20 मिनट तक शायद वो ग्रूव जो है वो अपनी पोजीशन चेंज रखता है, जिसकी वजह से अगर आपने दूध पिलाने के फौरन बाद पानी पिलाया तो उससे वो जो है वो दूध पानी जो है वो एबोमेजम में जा सकता है। तो ये जो चीज है ये बेसिकली अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट एक दफा हम लोग एक जगह गए यूएस में, तो वहां हमने देखा कि एक फार्मर जो है वो बेसिकली पानी पिला रहा था दूध पिलाने के बाद, और उसके ख्याल में वो जो है हीट स्ट्रेस से कोई हेल्प कर प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये प्रैक्टिस जो है ये बेसिकली रिकमेंडेड नहीं है कि आप जो है वो दूध पिला रहे हैं और उसके बाद बोतल पकड़ के जो है वो पानी भी पिला रहे हैं। पानी पिलाने के लिए और टाइम है, और या अनलिमिटेड पानी उसके सामने पड़ा होना चाहिए 24 घंटे ताकि वो उसे पिए, बट इट डजंट मेक एनी सेंस कि आप जो है वो दूध पिलाए पानी पिलाए। और दूध और पानी में फर्क मैंने आपको बता दिया कि प्रोटीन की वजह से जो है जो मिल्क है ये बेसिकली एबोमेजम में जाता है, जबकि पानी जो है ये रूमन के अंदर अवेलेबल। ये मिल्क करता क्या है, मिल्क के अंदर देखें दो चीजें होती है, प्रोटीन बेसिकली मिल्क के अंदर प्रोटीन और फैट और लैक्टोज तीन चीजें होती हैं जिसको हम टोटल सॉलिड के फॉर्म में कहते हैं। जब हम नेस्ले को दूध दे रहे होते हैं, किसी कंपनी को दे रहे होते हैं, तो वो हमें कहते हैं कि आपके मिल्क में टीएस है 12.5%, 12.7%, और वो जो मिल्क होता है उसके अंदर तीन चीजें होती है बुनियादी तौर पर। एक प्रोटीन होती है,
दूसरी उसके अंदर फैट्स होती है और तीसरी चीज उसके अंदर लैक्टोज होती है। प्रोटीन भी दो तरह की होती है, एक प्रोटीन होती है जिसे हम केजीन प्रोटीन कहते हैं और दूसरी प्रोटीन जो है वो वे प्रोटीन कहलाती है। ज्यादातर जो है उसके अंदर मिल्क के अंदर केजीन प्रोटीन होती है, तकरीबन 70-80% वे प्रोटीन का कंट्रीब्यूशन कम होता है और ये 10-20% तक तकरीबन होता है। फैट दूसरी चीज इसमें फैट्स होती है। मिल्क की प्रोटीन होती कितनी है, एक लीटर मिल्क के अंदर तकरीबन 3.2% तक जो है वो प्रोटीन होती है, जबकि जो फैट है ये 3.75-4.2% या 4.25% तक और लेट लैक्टेशन में 4.4 तक भी जाती है, डिपेंडिंग अपॉन स्पीशीज जो है ये फैट पाई जाती है। इसके अलावा लैक्टोज होती है जो 4.5% से 4.6% तक तकरीबन एक एनिमल के काऊ के मिल्क के अंदर पाई जाती है। तो जब हम दूध पिलाते हैं तो क्या होता है कि दूध जो है बेसिकली सीधा एबोमेजम में जाते हैं और एबोमेजम में जाके इसमें जो केजीन प्रोटीन होती है ये जाग बना देती है, दही की तरह का जाग बनाती है। किस तरह बनाती है, बेसिकली उसके अंदर जो है काइमोज एंजाइम्स होते हैं जिसमें काइमोसिन हो गया या पेप्सिन हो गया और उसके साथ जो है एसिड की जो सिक्रेशन होती है HCl की, उसके साथ मिलके जो है ना वो जो है वो फट जाती है प्रोटीन और उसकी वजह से जो है आप कह सकते हैं कि जाग बन जाती है। तो ये केजीन और मिल्क फैट का जो रिएक्शन है उसकी वजह से जो है ये बेसिकली प्रोसेस होता है कि हमारे पास जो है वो फैट दही की जो है वो जाग बनना शुरू। इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से ये होता है कि वो जो जाग बनती है ना एबोमेजम पे उससे एकदम दूध की अवेलेबिलिटी एनिमल को नहीं होती, स्लो स्लो फिर वो जो न्यूट्रिएंट है वो डाइजेस्ट होना शुरू होता है। तो जैसे आपने दूध पिलाया वो एबोमेजम में आया, एबोमेजम से आगे जाके वो जाग बन गई और जाग बनने के बाद वो स्लोली जो है डाइजेशन शुरू हो जाती है जो 12 से 18 घंटे लेती है। तो जैसे आपने सुबह आकर दूध पिलाया तो उसकी जाग बनेगी और स्लो स्लो न्यूट्रिएंट्स जो है वो आगे जाके प्रोटीन और एनर्जी देना शुरू कर देंगे और जब आप अगले टाइम फीड कराएंगे तो वो एड ऑन होगा पिछली फीड के साथ। तो डाइजेशन जो है वो स्लो होती है और उसकी वजह से किसी किस्म का डायरिया नहीं लगता और एकदम जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती आदमी। और ये एक स्टेडी सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट की वजह से, यानी इसका एडवांटेज क्या है केजीन प्रोटीन का और इसका या कर्ड फॉर्मेशन का जाग लगने का, इसकी वजह से एक स्टेडी और इवन सप्लाई जो है, स्पेशली अगर आप देखें तो क्लॉस्ट्रम में प्रोटीन ज्यादा होती है तो उस वक्त जो है, या बोली में तो उस वक्त जो है बहुत ही अच्छी सप्लाई मिलती है इसकी और वो बड़ी इजीली जो है एब्जॉर्ब होती है। दूसरी, मैंने आपको बताया कि वे प्रोटीन होती है और वे प्रोटीन जो है ये क्या होती है, इसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं या इम्यूनिटी होती है, इसके अंदर वाटर मिनरल लैक्टोज और अदर प्रोटीन होती हैं, मेनली इम्यूनोग्लोबुलिन होती हैं IgG जिसे हम कहते हैं। और ये जो प्रोटीन होती हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं इन टर्म्स के, ये इम्यूनिटी देती है एनिमल्स को। अच्छा, ये क्लॉज कर्ट, इनका कोई ताल्लुक नहीं होता कर्ट के साथ, तो ये डायरेक्टली पास हो जाती है। जैसे आपने बताया 10 मिनट में जो है ना इन्होंने पास हो जाना है स्मॉल इंटेस्टाइन से और एब्जॉर्ब होके आगे जाके ये अवेलेबल हो जाएगी एनिमल को। इनका एडवांटेज यही है कि ये क्लब इनकी वजह से इम्यूनिटी मिलती है और वो ब्लड में आती है और फिर काम जो है वो वायबल रहता है। तो कुछ वेरिएबल्स हैं जो बेसिकली ह्यूमन की डेवलपमेंट में जो है ना इंटरफेयर करते हैं। इनमें सबसे पहली चीज जो वेरिएबल है वो है कि फिजिकल साइज ऑफ ह्यूमन कितना है, यानी साइज, अगर आप कह ह्यूमन की डेवलपमेंट क्या है तो उसमें उसका साइज जो है सबसे पहली चीज है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी ह्यूमन का साइज बढ़ता जाएगा, तो फिजिकल साइज ऑफ द ह्यूमन जो है ये पहला फैक्टर है जो इफेक्ट करता है। दूसरी चीज ये कि थिकनिंग ऑफ ह्यूमिनल वॉल। देखिए, ह्यूमन एक तौलिया की तरह होता है और तौलिया पे आपने देखा होगा कि छोटे छोटी सी ब्रश टाइप की चीज होती है और वो ब्रश लाइक प्रोजेक्शन जो होती है इसे हम कहते हैं बेसिकली पेपिला। तो ये जो जितना ज्यादा मोटी होगी ना, वो ओजड़ी जैसे आप देखे तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है ना आपको तौले की तरह बारीक 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 से जो है ना रुआ सा नजर आएगा जो बहुत बड़ा होगा। जितना वो थिक होगा ना, जितनी थिक होगी वो
उतना ही ज्यादा जो है ना ह्यूमन अच्छा डेवलप हुआ होगा, उतना ही ज्यादा उसके पास एक आप सर्टेन एरिया में कह सकते हैं कि उसके पास नंबर ऑफ जो है वो होंगे अपना फाइबर होगी जो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर सके। इसके अलावा पेपिला की इलांगेशन के जो रूमन के अंदर जो पेपिला, एक तो वॉल थिक है और दूसरा ये कि वो जो पेपिलाज हैं रूमन के वो कितने ज्यादा जो है ना लंबे हैं, और वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है तो उनकी लंबाई भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है उसके सरफेस के एरिया को जो है वो इंक्रीज करता है। तो बेसिकली अब क्या चीज हो गई, एक ये कि वो तौलिया है कितनी लंबी, तौलिया मुंह की मोटाई कितनी है, तौलिया के ऊपर जो रुआ है वो रुआ कितना मोटा है, कितना ज्यादा है, डेंसिटी उसकी कितनी ज्यादा है, जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन। ये जो ठीक सा पेपिला है जिसको हम कह रहे हैं कि रुआ है जो रूमन के ऊपर पाया जाता है, इसको डेवलप करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें फीड में सबसे ज्यादा जरूरी चीज इसमें ब्यूटायरिक एसिड और टू सम एक्सटेंट प्रोपियोनिक एसिड चाहिए होता है जो इसकी ग्रोथ को हेल्प करता है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता दूं कि ये जो दो चीजें ब्यूटायरिक एसिड और प्रोपियोनिक एसिड, इसके अलावा एक तीसरी चीज होती है एसिडिक एसिड, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो बेसिकली फीड के जरिए हम एनिमल को देते हैं। एसिडिक एसिड की सोर्स जो है मेन वो फाइबर है, और प्रोपियोनिक एसिड की सोर्स जो है वो स्टार्च है या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसमें मकई या जिसे कहते हैं अपना ये ओट्स या जवी का दाना या इस तरह वीट होगी, ये सारी चीजें जो है दाना जो है बेसिकली ये प्रोपियोनिक एसिड पैदा करता है, जबकि जो ये चारे होते हैं और हे होती है ये बेसिकली एसिडिक एसिड जो है ये पैदा करने में करते हैं, जबकि ब्यूटायरिक एसिड जो होता है ये रूमन के अंदर एनवायरनमेंट में माइक्रोब्स पैदा करते हैं। तो पहले आपको मतलब ये माइक्रोबियल रीजन होता है, लेकिन रूमन को डेवलप करते वक्त जो है बेसिकली आप फीड की जो इंटरवेंशन कर रहे हैं आप प्रोपियोनिक एसिड देते हैं, जिससे बैक्टीरिया थोड़ा सा तेज होता है, बैक्टीरिया से ब्यूटायरिक एसिड पैदा होता है और उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ये पेपिला और बढ़ते जाते हैं। इसमें पानी भी इन्वॉल्व है, बैक्टीरिया फीड भी इन्वॉल्व है और बाकी सारे फैक्टर भी इन्वॉल्व है जो हम आगे देखेंगे। तो ड्राई फीड और वाटर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्राई फीड जो है वो भी बायपास नहीं होगी, वो सीधा र्यूमन में जाएगी। पानी मैंने आपको बताया वो भी र्यूमन में जाएगा और फिर ये र्यूमन की डेवलपमेंट करेंगे। ये कैसे करेंगे ये भी हम देखेंगे। यहाँ एक तस्वीर है आपके सामने, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत शौक होता है कि वो दूध पिलाते रहे बच्चे को खुला डुल्ला, तो यहाँ तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। इसमें एक तस्वीर है जिसमें उस बच्चे को सिर्फ जो है वो दूध पिलाया, ये तस्वीर ए है, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल बारीक सा र्यूमन कटा हुआ है, उसमें किसी किस्म की कोई आपको डेवलपमेंट नहीं। जबकि ये जो दूसरी तस्वीर है इसमें दूध पिलाते रहे और साथ उसके हे भी रख के लाते रहे, तो आप देखें तो इसके अंदर थिकनेस तो है लेकिन इसके ऊपर पेपिला की कोई डेवलपमेंट नहीं। और ये तीसरी कैटेगरी है जिसके अंदर उन्होंने दूध पिलाया और दाना खिलाया जिसमें मकई या सोयाबीन जो मिक्स करके हम ब्लेंड देते हैं मकई के नोला सोयाबीन का, तो इसमें आप देखें तो ये एक वेल डेवलप्ड जो है वो रूमन है जिसके अंदर आपको क्लियरली जो है नजर आ रहा है कि पपीला की ग्रोथ भी है और साथ उसकी थिकनिंग भी। तो आप ये कह सकते हैं कि एक 4 हफ्ते के बच्चे की रूमन डेवलपमेंट ज्यादा हो सकती है अगर आपने उसे दूध और दाना खिलाया, कंपेयर टू अकाब जिसको आपने 12 हफ्ते जो है ना वो दूध और हे पिलाते रहे। तो बात यह है कि बाज दफा हमारे जहन में होता है कि जी बस दूध पिला रहे बच्चा देखने में फिजिकली बड़ा लग रहा है, लेकिन ठीक है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू तो अपनी जगह है लेकिन वो ह्यूमन की डेवलपमेंट जो है उसकी वो ठीक नहीं होती। तो इसमें अक्सर स्कूल ऑफ थॉट्स है, कहता है कि जी आप दूध पिलाए और साथ काफ स्टार्टअप पिलाए और हे ना खिलाए दूध पिलाने के दौरान। तो मेरी तो जो अभी तक राय रही है इस सिलसिले में वो तो यही रही है कि हमें दूध और साथ जो है काफ स्टार्टर देना है जब तक कि बच्चा दूध नहीं छोड़ता। दूध छोड़ने के बाद काफ स्टार्टर के साथ हे रखने शुरू कर देना, इसमें कोई मुजायका नहीं। लेकिन मेरी ये जो राय है कतन ये नहीं है कि आप जो है वो उसको पहले से जो है दूध पिलाने के दौरान ही जो है वो हे भी खिलाना शुरू करते हैं। बेस्ड ऑन द रीजंस जो मैं समझता हूँ कि
जो है ये जो ह्यूमन की वॉल जो है उसको पेपिला की ग्रोथ के लिए जो है हे जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट जो है कंट्रीब्यूट करती है। और दूसरी बात ये है कि पर यूनिट ऑफ या जो एनर्जी है वो भी अगर आप देखें तो ब्रेन में ज्यादा, तो रिलेटिवली अगर आप इसकी मॉडलिंग करें और कैलकुलेट करें कि आपने अगर एक डाइट दी जिसमें दूध और उसके साथ ग्रेन खिलाया तो उससे ज्यादा एनर्जी मिलेगी कम्पेयर टू दूध और हे खिलाने के। देर इज नो रीजन फॉर मी कि मैं ये रिकमेंड करूँ कि दूध पिलाने के दौरान आप जो है हे को जो है वो प्रोवाइड करें। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हे की एंड प्रोडक्ट एसिटिक एसिड है और एसिटिक एसिड जो है वो ह्यूमन की ग्रोथ के लिए चाहिए नहीं है। और दूसरी बात यह कि हे स्ट्रेचनिंग करेगी, रियल ग्रोथ जो नहीं है जो है वो ह्यूमन की नहीं करेगी। तो बॉटम लाइन क्या है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रेन विद वाटर जो है ये बेसिकली फर्मेंटेशन क्रिएट करेगा और फर्मेंटेशन की वजह से ब्यूटेरिक एसिड प्रोडक्शन होगी ह्यूमन, और उसकी वजह से एक ज्यादा फंक्शनल ह्यूमन बनेगा जिसके अंदर ज्यादा एबिलिटी होगी डाइजेस्ट करने की ग्रेन को और लेटर इन लाइफ फॉरेजेस। तो आज की रिविजन लेक्चर की क्या है कि हमारे पास जो है टारगेट्स क्या है काफ के, वीनिंग के चार टारगेट्स मैंने बताए थे आपको। उसमें सबसे पहली चीज जो है वो ये बताई थी कि उसका काफ स्टार्टर का इंटेक जो है वो ठीक होना चाहिए 0.75 से 1 केजी तक। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई कि उसका बॉडी वेट डबल ऑफ दी बर्थ वेट होना चाहिए। और तीसरी चीज जो है वो मैंने ये बताई थी आपको कि ये जो काफ है इसके अंदर जो है इसकी एक जो है वीनिंग जो है वो 2 से 3 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। और चौथी चीज मैंने ये बताई आपको कि जो काफ है ये लाइव होना चाहिए, ऑब्वियसली मोर्टेलिटी जो है हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। दूसरी चीज क्या थी कि दूध कहा जाएगा या रोल के दूध का क्या है बेसिकली पिलाने का ऑब्जेक्टिव। दूध का दूध बेसिकली जो है वो ह्यूमन में नहीं जाता, वो एपोमेजर में जाता है। और केजीन जो है बेसिकली जो प्रोटीन है वो जाग लगाती है दूध का एपोमेजर में जाके, जहाँ से स्लो स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ से जो है स्लो न्यूट्रिएंट की जो है वो डाइजेशन होती है, जबकि वे प्रोटीन जो है वो आईजीजी देती है या इम्यूनिटी देती है। तो कोलोस्ट्रम अगर आप दे रहे हैं उसके अंदर प्रोटीन ज्यादा होगी, और वो प्रोटीन जो ज्यादा होगी उसकी वजह यह है कि उसमें उसकी वजह से इम्यूनिटी ज्यादा मिले। और उसमें दो चीजें हैं, केजीन का रोल एनिमल को स्टेबल करना है, वे प्रोटीन का रोल जो है इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। हमें पानी पिलाना चाहिए कि नहीं पिलाना चाहिए जब बच्चा जो है वो अभी दूध पीता हो? तो इसका जवाब ये है कि हमें जरूर पिलाना चाहिए, और हमें उसको पानी खुला रखना चाहिए उसके सामने, और उससे उसके ह्यूमन की जो है डेवलपमेंट होगी, क्योंकि पानी जो है वो बाईपास नहीं होता, वो ह्यूमन में जाता है। और ये डे 1 से या डे 2 से ही रख देना चाहिए। और मिल्क प्लस काफ स्टार्टर खिलाना जरूरी है बच्चा जब तक दूध पी रहा है, बजाय इसके कि हे रखी जाए। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि काफ स्टार्टर जो है वो ज्यादा जल्दी ह्यूमन को डेवलप करवाएगा और पेपिला की ग्रोथ करवाएगा कंपेयर टू अगर आपने उसके अंदर हे भी रखा। तो आज के लिए इतना ही, आपका शुक्रिया बहुत बहुत इस लेक्चर को सुनने का। थैंक यू वेरी मच।